सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में और मैं हूँ मौलिका शर्मा। सबसे पहले हमारे तमाम दर्शकों को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। इन्हीं मनोकामनाओं के साथ आज फिर से शुभारंभ करेंगे अपने इस विशेष कार्यक्रम का। विशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार इस दिन सभी शुभ कार्य किए जाते हैं जिसका अक्षय फल मिलता है, इसलिए इसे अक्षय तृतीया कहा जाता है। विशेष तौर पर ये महिलाओं का त्यौहार माना जाता है। इस दिन सोने चांदी की खरीदारी भी की जाती है। और क्या कुछ विशेष किया जाता है, आइए आपको बताते हैं अपने इस विशेष कार्यक्रम में। कहते हैं अक्षय तृतीया पर कुछ विशेष उपाय किए जाते हैं जिसका फल ताउम्र आपको मिलता है और आपकी जिंदगी के तमाम कष्ट दूर होते हैं। इस तिथि पर कुछ शुभ कार्य भी किए जाते हैं जिसके लिए शुभ मुहूर्त देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। आज अक्षय तृतीया है तो इस दिन गोल्ड क्वाइंस या गोल्ड के मतलब ज्वेलरी खरीदना बहुत शुभ माना जाता है और इस दिन बिहारी जी के चरणों के दर्शन होते हैं, इसलिए उनके चरणों के दर्शन करके बहुत ही मतलब शुभ दिन होता है। इस दिन कुछ भी कार्य कर सकते हैं। हमने यहाँ से गोल्ड क्वाइंस खरीदे हैं और ये शॉप बहुत अच्छी है। मैंने अक्षय तृतीया पर ये क्वाइन खरीदा है, 24 कैरेट गोल्ड क्वाइन। It's very good coin. It's very good to buy on that day. Thank you. आज अक्षय तृतीया है, मैं इस पर गोल्ड खरीदने आई हूँ और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है गोल्ड खरीदने से। आज अक्षय तृतीया है और इस दिन जो है बहुत ही अच्छा दिन और शुभ दिन माना जाता है। इसको लेके जो है हमारे कस्टमर या हमारे जनता लोग, हमारे समाज बहुत ही धूमधाम से इसे मनाते हैं और इसके इस शुभ अवसर पर काफ़ी कस्टमर लोग ये गोल्ड या सिल्वर डायमंड जो भी उनकी जो इच्छा होती है माँ अक्षय तृतीया देवी के नाम से खरीदते हैं और पूजा अर्चना वगैरह करते हैं, धूप दीप चंदन वगैरह की सब कुछ वो करते हैं और इससे ये माना जाता है कि इस दिन की खरीदारी से उन्हें बहुत ही अच्छा फल मिलता है। धन दौलत की संपत्ति की हर तरीके से सुख संपत्ति मिलती है और वो हमेशा के लिए खुश रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जिन्हें अक्षय तृतीया के बारे में जिन्हें नहीं है पता तो वो आज के दिन का बाकायदा फ़ायदा उठाया जाए और जितनी जल्दी मतलब जितना से जितना अधिक से अधिक हो सके तो इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए।
आज अक्षय तृतीया है, बहुत सारे कस्टमर आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये इयरिंग ले रहे हैं मैम, डायमंड की इयरिंग है। आज का दिन शुभ होता है और हमारे पास बहुत सारे कलेक्शंस हैं, नए नए डिजाइन भी आए हुए हैं। सेट भी ले रहे हैं मैम, अभी इनको सेट भी लेना है, सेट भी लेना है इनको मैम को भी। और ये हमारा नया कलेक्शन भी है, उनको ज़्यादा पसंद आ रहा है, डिटैचेबल ज्वेलरी है जो इनको बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी सेट्स भी हैं और एक मैम ब्रेसलेट भी देख रही हैं, ब्रेसलेट भी बहुत ही सुंदर है, प्यारा है, बहुत ही एलिगेंट सा डिज़ाइन है इसका। और भी सारे कस्टमर आ रहे हैं, गोल्ड कॉइन परचेस कर रहे हैं। ये देखिए पहना हुआ कितना अच्छा लग रहा है। फिलहाल यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, हम पुनः हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर गौ माता को हरा चारा या आटे का भोग लगाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। अक्षय तृतीया के दिन आप गरीबों को ठंडी चीजों का दान करें, जैसे जौ, गेहूं, चने, दही, चावल, खिचड़ी या दूध से बने पदार्थ, सोना, वस्त्र, जल आदि से भरा घड़ा दान दें। अक्षय तृतीया के दिन आप घर या फिर अपने कार्यस्थल में धन रखने के लिए उत्तर और पूर्व दिशा को चुनें। इस दिशा में धन रखने से आर्थिक तरक्की में कोई बाधा नहीं आएगी। नमस्कार, इस छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। आज हम बात कर रहे हैं अक्षय तृतीया पर। कहते हैं अक्षय तृतीया पर माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षी नारियल चढ़ाया जाता है, हल्दी और केसर से माँ की पूजा अर्चना की जाती है। और एक विशेष बात, जी हाँ, इस दिन महिलाएं चांदी की बनी चरण पादुका माँ लक्ष्मी के लिए लेकर आती हैं। पूजा स्थल पर उनको माँ के समीप रखा जाता है और नित्य प्रति उनकी पूजा अर्चना करने से माँ की कृपा सदैव अपने भक्तों पर बनी रहती है। संत ऋतु में जब सूर्य उत्तरायण में होता है, सबसे बड़ा त्यौहार अक्षय तृतीया, जिसका कभी क्षय नहीं होता, उसको अक्षय तृतीया कहते हैं। इसीलिए इस दिन औरतें वगैरह सब लोग सोने की चीज़ें आभूषण खरीदती है। सोने की चमक जैसे हमेशा पीली रहती है, इस उम्र ऐसी औरतों के लिए भी ये बहुत अच्छी रहती है। इसलिए आज के दिन लोग सोना चांदी सब कुछ खरीदते हैं, ताकि घर में हर समय धन धान्य की कमी न रहे, बहुत अक्षय रहे। इसीलिए इस अक्षय तृतीया का त्यौहार हम लोग मनाते हैं। इस दिन लक्ष्मी माता की पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं और वही फिर सबको वितरित करते हैं, ताकि घर में सुख समृद्धि बनी रहे। अक्षय तृतीया इसीलिए मनाते हैं, सुख संपत्ति घर में आए, खुशियाँ रहें। सूर्य उत्तरायण में होता है, इसलिए इसका महत्व ज़्यादा बढ़ जाता है। रिद्धि सिद्धि का योग है और 24 घंटे इस दिन रिद्धि सिद्धि बनी रहती है, इसलिए इसको अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। आज के अक्षय तृतीया का दिन है। अक्षय तृतीया के दिन गोल्ड ज्वेलरी लेना, डायमंड ज्वेलरी लेना, सिल्वर ज्वेलरी लेना बहुत ही शुभ माना जाता है। सब लोग आज के दिन परचेजिंग करने के लिए आते हैं, कोई गोल्ड खरीदता है, कोई डायमंड खरीदता है, कोई सिल्वर खरीदता है। सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग सब लोग ज्वेलरी खरीदते हैं और इसको बहुत अच्छा शुभ दिन माना जाता है।
अक्षय तृतीया पर सबको बधाई। हमारे पूर्वजों ने, बुजुर्गों ने, संतों ऋषियों ने कुछ इस तरह के इंतजाम किए हैं कि हर चीज़ को हम अपने पर्व के साथ जोड़ देते हैं, धर्म के साथ आस्था जुड़ जाती है। इसी प्रकार इस कार्यक्रम के माध्यम से ही यहाँ व्यापार बढ़ता है, खुशहाली आती है, समृद्धि होती है, उसके साथ साथ परिवारों में खुशी भी बैठती है। सामान लेने का एक बहाना मात्र बनता है, लेकिन उसके जरिए घर में सामान पहुँचता है, सोना आता है, जेवर आते हैं, आभूषण आते हैं। हमारे 365 दिन हैं एक वर्ष के, सभी दिन त्योहारों से जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई आस्था जुड़ी हुई है, उसी का लाभ मिलता है। और इन दिनों उत्तराखंड की तरफ जाकर देखें हम तो भीड़ लगी हुई है, लोगों ने यात्रा शुरू कर दी है। इस तरफ उत्तरांचल होने के बावजूद भी जिस प्रकार भावनाएं जुड़ रही हैं वो अपने आप में विशेष रखती हैं। और मेरे विचार से जितने भी त्यौहार हैं, पर्व हैं, उनके साथ जो आस्था जुड़ी है उसके साथ ही हमारी समृद्धि आती है, हमारे घर में भी सुख पहुँचता है और हम लोग सफलता की ओर बढ़ते हैं। कहते हैं अक्षय तृतीया पर गंगा स्नान करना पुण्यकारी माना जाता है। जिनकी कुंडली में पितृ दोष लगे हुए हैं वो भी पितरों का पिंडदान तर्पण कर सकते हैं। इस दिन आप हर शुभ काम कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं, सोना चांदी खरीद सकते हैं, नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में आप हमें दें इजाज़त, हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।